एक दशक का लंबा इंतजार और अब अमेरिका से भारत आने को रोमियो है तैयार। रोमियो को कौन भारत ला रहा है? मोदी। जी हां, और कौन ला सकता है भला? मोदी ही रोमियो को भी भारत लाएंगे। ये रोमियो दुश्मन के छक्के छुड़ाएगा, रात में हमला करने वालों की कमर तोड़ेगा, पनडुब्बियों का शिकार करेगा, क्योंकि ये रोमियो युद्ध के मैदान का बादशाह है। एक दशक से भारतीय सेना इस उन्नत किस्म के हेलीकॉप्टर के भारत आने का इंतजार कर रही थी और अब मोदी ने ये सपना साकार किया है। मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के रहते 2020 में ही 24 रोमियो हेलीकॉप्टर्स का सौदा कर लिया था, जिसमें से 3 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी इसी साल जुलाई के महीने में होने वाली है। एक भारतीय पायलट टीम इस हेलीकॉप्टर की अमेरिका से विदाई के लिए वहां पहुंच चुकी है। भारत को मिलने वाले रोमियो की डिजाइन तो अमेरिका वाले रोमियो के जैसी ही है, बस उस पर बना हुआ है हमारा तिरंगा। अब रोमियो की खूबियां भी जानिए। इसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। MH-60 रोमियो में दोहरी नियंत्रण प्रणाली मौजूद है, मतलब इसमें दो दो पायलट रहेंगे। इसके कॉकपिट में बैठकर पायलट अंधेरे में भी अपने लक्ष्य को बखूबी देख सकेंगे और उन्हें भेज सकेंगे। इस हेलीकॉप्टर में 4 से 5 केबिन क्रू के साथ 5 यात्री भी बैठ पाएंगे, जिसके केबिन की लंबाई 3.2 मीटर, चौड़ाई 1.8 मीटर और ऊंचाई 1.3 मीटर है। रोमियो दुश्मन की पनडुब्बियों और पोतों पर भी किसी भी वक्त अचूक निशाना लगा सकता है। बस इसी खूबी की वजह से इसे एक और नाम दिया गया है, पनडुब्बी हंटर। रोमियो हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में बेहद अहम भूमिका निभाएंगे। इन हेलीकॉप्टर्स को टॉरपीडो और मिसाइलों से लैस किया जाएगा। इनका इस्तेमाल एंटी सबमरीन भूमिकाओं में होगा। सभी हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी की बात करें तो डील साइन होने के 5 साल में ही इसे पूरा कर लिया जाएगा।